Hello students, let's understand this question. A block is placed at the top of an inclined plane 6.4 meter long. Find the time taken by the block to slide down to the bottom of the plane. The plane makes an angle 30 degree with the horizontal. Coefficient of friction between the block and the plane is 0.2. Okay, हमें क्या दिया है? 6.4 meter long inclined plane है, ठीक है? और जिस जो कि 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है उसका, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है ब्लॉक और प्लेन के बीच में. तो हमें बताना है कि कोई ब्लॉक अगर रख देते हैं उसको स्लाइड करने में कितना टाइम लगेगा. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको. हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं. हमें बोला है कि लेंथ ऑफ द इंक्लाइन इज 6.4 मीटर. ओके, देन टाइम टेकन हमें निकालना है. वी हैव एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एज 30 डिग्री and coefficient of friction between the block and the inclined plane is 0.2. What do we need to find out? We need to find out time taken by the block to slide down the inclined plane. ठीक है, चलिए start करते हैं हमारे solution से. अगर हम इस condition को draw करना चाहें तो वो कैसा show होगा? इसको मान लेते हैं हम कि ये हमारा inclined plane है कुछ इस तरह से. ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री. इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री. ओके, और यहां से हमने एक ब्लॉक स्लाइड कराया है. एक ब्लॉक हम यहां से स्लाइड करा देंगे, ठीक है. हमसे पूछा है कि अगर ये ब्लॉक का साइज हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, बिल्कुल बहुत छोटा ब्लॉक हम लेंगे, इसको शो करने के लिए हमने बड़ा बनाया है, ठीक है. इसको नीचे आने तक, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? अगर ये जो लेंथ है, ये लेंथ 6.4 मीटर है, ये वाली जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, दिस लेंथ इज 6.4 मीटर, ठीक है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस वाले ब्लॉक का एफवीडी बनाने का कोशिश करते हैं, एफवीडी बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है. आइए तो इसका एफवीडी अगर हम बनाते हैं तो यहाँ इसको हम मान लेते हैं हमारा ब्लॉक है जो कि इंक्लाइन प्लेन पर रखा है, जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, और इसका मास हम मान लेते हैं कितना, एम है, ठीक है. अगर इसका एफबीडी बनाता हूं तो इसके पर नीचे लगेगा mg, ठीक है. एक नॉर्मल इसको मिलेगा इंक्लाइन प्लेन से इधर n, ठीक है. और फ्रिक्शन इस पे ऊपर लग रहा होगा क्योंकि ये नीचे स्लाइड कर रहा है, विच इज इक्वल टू f. mg को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो दिस विल बी mg sin थीटा एंड दिस विल बी mg cos थीटा. क्योंकि ये नीचे स्लाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके पास एक्सेलरेशन होगा जिसको हम नाम देते हैं a, ठीक है. आप देख सकते हैं नॉर्मल जो है वो mg cos थीटा से बैलेंस हो जाएगा. तो हमें इस वाले डायरेक्शन में कुछ भी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ उस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है. तो वो क्या होगा वो देख लेते हैं हम. दैट वुड बी इक्वल टू mg sin थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर वन, ठीक है. एंड वी कैन से वी कैन सी दैट एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर टू. एंड ऑल्सो फ्रिक्शन बाय द डेफिनेशन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन. व्हाट विल बी गेटिंग इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ एन हियर, आई विल बी गेटिंग म्यू एम जी cos theta. Okay, now equation number one will become, if I put the value of f here, if I put the value of f from here, what I'll be getting, mg sin theta minus mu mg cos theta equal to m into a. M will get cancelled out, m sab jagah se cancel out ho jayega. एक्सेलरेशन की वैल्यू जो मेरे पास आएगी, अगर मैं सारी वैल्यूज रख देता हूं तो g विल बी टेकन 10 एंड sin थीटा इज sin 30 डिग्री, म्यू इज 0.2 एंड g इज 10 एंड cos थीटा इज अगेन cos 30 डिग्री. इफ वी सॉल्व दिस व्हाट विल बी गेटिंग, a इक्वल टू 3.268 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
ओके नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन हमें मिल गया है और ये जो मोशन होगा दिस विल बी यूनिफॉर्म मोशन. अगर यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास है, इफ यू आर हैविंग अ यूनिफॉर्म मोशन देन लेट्स डू इट. We know for a uniform motion, S is equals to ut plus half at square. This is the second equation of motion. This can be applied. Okay. Initially, हम देखते हैं कि block को place किया गया था incline पे, तो initial velocity जो होगी उसकी zero होगी. So this term will become zero and we'll get S is equals to half at square. Okay. यहाँ से हमें क्या मिलता है? T is equals to root 2 S upon A. Let's put the values. S is 6.4 and this is 3.268. You can see 3.268 and 6.4 ये लगभग इसका डबल है, तो इसको हम अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं अप्रोक्सीमेशन लेके दिस विल इक्वल टू 2 एंड टाइम अप्रोक्सीमेटली विल बी कमिंग 2 सेकेंड. एंड अगर आप इसको ठीक से सॉल्व करना चाहते हैं पूरा चाहते हैं तो दिस विल बी 1.98 सेकेंड. ओके सो दिस विल बी आर answer and we can say the time taken by the block to slide down the incline in this case, time taken will be equal to 1.98 second. Okay, so this is our solution for this question. Thank you.